हमारे साथ आभासी रूप से उपस्थित श्रीमान महेंद्रनाथ पांडे जी, जम्मू के लोकसभा के सांसद श्री जुगल किशोर शर्मा जी, राज्यसभा के सांसद भाई गुलाम अली खटाना जी, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी, मुख्य सचिव जम्मू कश्मीर अटल डुल्लू जी, श्री प्रशांत लोखंडे एएस जम्मू कश्मीर, और आज के कार्यक्रम में जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रहा है वो सभी युवा भाइयों बहनों और उपस्थित सभी नागरिकों को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी को आज जो नियुक्ति पत्र मिला है, आज आपसे आपका एक नया जीवन शुरू हो रहा है। आप निष्ठा से भारत की जम्मू कश्मीर की सेवा करें, जम्मू कश्मीर के जनता की सेवा करें, ऐसी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की महान नेता राजमाता विजया राजे जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं विजया राजे सिंधिया जी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, आज जो कार्यक्रम यहां पर शुरू हो रहा है वो अनेक रूप से महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सबसे पहले तो ई बस सेवाओं का शुभारंभ हो रहा है। 100 फुल एसी ई बस आज जम्मू के लोगों के लिए इसका लोकार्पण हुआ है। लगभग 561 करोड़ रुपए की लागत से 12 साल के लिए बसों का ऑपरेशन और मेंटेनेंस दोनों करने के साथ इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने समग्र विश्व के अंदर पर्यावरण के लिए जागृति फैलाई है, पर्यावरण की चिंताओं को विश्व में स्वीकृति दिलाई है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन सबसे अच्छे अगर दुनिया में कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। पेरिस समझौते की सभी चीजों को भारत ने जमीन पर उतारा है, और समग्र देश के अंदर ई बसों के लिए भारत सरकार ने जो योजना लागू की है, इसके तहत आज 100 ई बस जम्मू को लोकार्पित करते हुए मुझे बहुत बहुत आनंद हो रहा है। इसमें 25 बसें 12 मीटर वाली हैं, 75 बसें 9 मीटर वाली हैं। मैंने खुद इन बसों की डिजाइन पहले भी देखी है। जम्मू के लोगों के लिए एक भरोसेमंद, आरामदायक, किफायती और लंबे समय चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं आज से शुरू होगी। जम्मू से माता वैष्णो देवी कटरा, कठुआ, उधमपुर और आंतरिक शहर के मार्गों पर भी ये बसें चलेगी, और इसका संचालन टाटा मोटर जैसी विश्वसनीय संस्था को दिया गया है। मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में आवागमन की जो तकलीफें होती हैं इसको कम करने के लिए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए दोनों दृष्टि से ये ई बस बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, इसका विश्वास है। आज इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर के संयुक्त प्रतियोगिता की परीक्षा 2024 बैच के 209 सफल अभ्यर्थियों को अपना नियुक्ति पत्र मिला है, जिसमें जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के 96 ऑफिसर हैं, अकाउंट गैजेट सर्विस के 63 ऑफिसर हैं और पुलिस सर्विस के 50 ऑफिसर हैं। मैं आज सभी 209 सफल अभ्यर्थियों को मन से बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं और अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मित्रों, आज से आपका जीवन एक नई शुरुआत ले रहा है। किस दिशा में आप सोचकर शुरुआत करोगे वो आपके पूरे जीवन को उसका रास्ता प्रशस्त करने में मदद होगा। आप जिस प्रकार के बहुत सारे लोग एक सामान्य घर के बैकग्राउंड से आए हैं, आपने
सामान्य घर के बच्चों की तकलीफों को भी झेला है और मोदी जी के शासन के कारण जो पारदर्शी व्यवस्था हुई इसके कारण आपके मेरिट्स के मद्देनजर रखते हुए आपको ये जॉब मिला है। अभी मनोज सिन्हा जी बता रहे थे कि पर्ची से नहीं मिलता है, मनोज जी अभी भी पर्ची से ही नौकरी मिलता है, पहले पर्ची सिफारिश की होती थी, अब एग्जामिनेशन पेपर की पर्ची होती है, परंतु मेरिट्स में नौकरी देने की शुरुआत आज मोदी जी के नेतृत्व में मनोज जी ने करी है। मैं मनोज जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जम्मू कश्मीर में नौकरी के मायने मुझे मालूम है, 85 के साल से मैं जम्मू कश्मीर के साथ कोई न कोई प्रकार से संपर्क में रहा हूँ। मैं जानता हूँ किसी भी राजनीतिक सिफारिश के बगैर या करप्शन के बगैर नौकरी मिलना वहां असंभव होता था, और आज मैं दावे से कह रहा हूँ 209 अभ्यर्थी जो सफल हुए हैं किसी की सिफारिश से नहीं, आपकी कैपेसिटी, आपकी मेहनत और आपकी लगन के कारण।